तो फ्रेंड्स, एक मैं प्यारा सा खूबसूरत सा थालपोस बनाना बता रही हूँ आपको कि वो किस तरीके से बनेगा। दोस्तों, ये बिगनर भी इस थालपोस को आसानी से बना सकते हैं। और इस थालपोस को हमारे दोस्त ने भेजा है कि बना के बताइए, तो मैं उसी को आपको बनाना बता रही हूँ कि किस तरीके से बनेगा। उसके लिए दोस्तों हमें 10 चैन लेना है। तो हम क्या करेंगे, धागा को बांधेंगे और 10 चैन बनाएंगे। आप कोई भी 2 कलर के उसमें ऊन ले सकते हैं और 12 नंबर के क्रोशिया। दोस्तों, इससे कि पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले और शेयर करना ना भूले। तो आइए थालपोस को बनाते हैं। खूबसूरत सा थालपोस है, तो किस तरीके से बनेगा उसके लिए हम 10 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 चैन बना लिया है। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे हम। हमने जोड़ लिया, अब 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3, ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब यहीं पे इसी के साथ हमें एक डबल क्रोशिया बुन देना है, तो ये हमारा 2 क्रोशिया हो गया। फिर 2 चैन लेंगे। 1 2, 2 चैन हमने लिया और 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चैन लेंगे। 1 2, और 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये हो गया। इसी तरीके से हमें 6 बार और बुनना है, यानी कि 9 कली का हमें बनाना है। तो इसमें 18 क्रोशिया बनाना है, जो कि डबल 9 क्रोशिया हो जाएगा हमारा। तो मैं पूरा लाइन इसको बना के दिखाती हूँ। दोस्तों, इसमें देखिए, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 18 हो गया है। जोड़ा में 9 हुआ और डबल क्रोशिया 18 बार हमने इसमें बुना है, और दो दो बीच में हमने चैन लिया है। तो 1 2, 2 चैन लेंगे हम। और किनारे क्या करेंगे, इसके किनारे हम 3 चैन ये जोड़ लिया है। और इसके बाद 3 चैन बनाएंगे हम यहाँ पे। ये देखिए, जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हम अब जो दूसरा, ये हमारा ये लाइन अब पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम दूसरा कलर इसमें जोड़ेंगे। धागों को हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 चैन देंगे हम। 1 क्रोशिया हो गया, ये हमारा 2 क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 चैन बनाया और 1 डबल क्रोशिया हमने बुना। फिर 1 2 2 चैन बनाएंगे और 2 छोड़ के ये जो जाली बना है उसमें 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 1 स्टिच, 2 2 चैन, 1 2 चैन, 2 स्टिच छोड़ेंगे जो जाली है उसमें, 2 स्टिच डबल क्रोशिया बुन देंगे। फिर 1 2 चैन, 2 स्टिच छोड़ेंगे जो जाली है उसमें 2 बुनेंगे। 1 2, इसी तरीके से हमें पूरे लाइन को दोहराना है। ये हमारा अब कंप्लीट हो गया है। 2 हमने चैन ले लिया है, तो किनारे इसके हम जोड़ेंगे और यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बुनेंगे, या तो फिर हम चैन बना लेंगे यहाँ पे। 1 2 3 चैन हो गया हमारा। फिर यहाँ पे ये हमारा 2 क्रोशिया हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, 2 क्रोशिया और बुनेंगे। 1 2, यानी कि 2 के बाद ये 4 हमारा हो गया, इस तरीके से आएगा। तो ये 4 हो गया। फिर 2 चैन लेंगे। 1 2, 2 हो गया। अब ये देखिए, ये जो जाली बना है इसमें हमें 1 क्रोशिया बुनना है। 1 यहाँ पे, 2
फिर इसके आगे क्या करेंगे, दो बिनेंगे, दो डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर दो चैन, वन टू, फिर ये जो चैन है किनारे बिल्कुल बिल्कुल हमें सीधा इसमें बुनना है, और एक तरफ से ये हमारा स्टिच बढ़ता जाएगा, दो, फिर इसके आगे दो और बुनेंगे, यानी कि पहली लाइन में दो, इसके बाद चार, तीसरी में छः, चौथी में आठ, पांचवी में दस, छठवी में बारह, इसी तरीके से हमें फिर आगे का बुनना है। दो चैन लेंगे हम, वन टू, और फोर क्रोशिया हम आगे बुन देंगे। इसी तरीके से हमारा एक तरफ ये बढ़ता जाएगा। ये हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। अब किनारे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर जितने भी चैन हैं उसमें हमें बुनते चले जाना है, दो, तीन, चार, यानी कि हमारे पीछे वाले लाइन में फोर थे तो ये हमारे फोर हो गए। इसके आगे हम क्या करेंगे, वन टू, ये हमारे सिक्स हो गए। फिर दो चैन लेंगे हम, वन टू, और आगे देखिए किनारे इधर हमें बिल्कुल सीधा ले जाना है, नहीं तो हमारा डिजाइन बिल्कुल चेंज हो जाएगा और एक तरफ हमारा इधर बढ़ता जाएगा। फिर ये हमारा फोर है तो फोर बुन लेंगे। फोर जो चैन है हमारे, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो चैन दिख रहे हैं इसी में आपको बुनना है। डबल स्टिच है, वन क्रोशिया, टू, ये हमारा फोर हो गया। फिर किनारे हम दो बढ़ा लेंगे, वन टू, इसी तरीके से ये हमारा बुनता जाएगा। तो मैं बना के पूरा आपको दिखाऊंगी। दोस्तों ये देखिए हमारा इतना बन के तैयार हो गया है। हमने दो लाइन तक आपको बताया था, तीन लाइन तक, तो ये हमारा अब देखिए इसमें हमने कितने लाइन बुने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अगर आपको और बढ़ाना है तो आप और बढ़ा सकती हैं। दोस्तों इसमें एक ही तरफ दो दो इसमें स्टिच बढ़ते जाएगा, तो इसके बाद हमें इसमें किनारी बनाना है, तो वो किनारी को बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ कोई भी आप किनारी आसानी से बना सकते हैं, तो या तो आप चैन दे के बनाइए, हम देखिए इसी में किनारी को बनाना बताएंगे। एक हमारा स्टिच हो गया है, ये टू धागा हमने जोड़ लिया है, थ्री फोर, एक और लेंगे फाइव, ये देखिए इस तरीके से, और क्या करें, वन टू थ्री के बाद छोड़ देंगे और इसको इस तरीके से बुन लेंगे। फिर वन चेन लेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, स्टिच बनाएंगे, फिर वन टू थ्री फोर और फाइव, ये हो गया। फिर थ्री छोड़ेंगे और इसको हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। इस तरीके से हमें इस पर स्टिच बनाते चले जाना। फिर एक बार बताऊंगी मैं, फिर एक चैन लूँगी, धागा को लपेटेंगे और इसके बीच से हम निकालेंगे, देखिए क्रोशिया को इसके बीच से निकालेंगे और फाइव स्टिच बुन देंगे, वन टू, थोड़ा उसे लंबा खींचेंगे, थ्री, उससे भी लंबा खींचेंगे धागे को, फोर और ये फाइव हो गया। फिर थ्री स्टिच छोड़ेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हम बुनेंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर इसके बीच में हमें बनाना है, मैं बना के दिखाती हूँ। दोस्तों इतना हमने बना लिया है किनारी, एक बार मैं और आपको फिर बताऊँगी
ताकि आपको बनाने में आसानी हो। यहाँ पे जैसे कि हमने इस तरीके से बताया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 चैन ले लेंगे और यहाँ से हम इसमें मोड़ लेंगे। इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, ऐसे बनाने में थोड़ा आपको आसानी होगा। फिर 4 बार बुन लेंगे हम। ये देखिए, एक हमारा हो गया, 2 3 4 और 1 5, एक बार और बुनेंगे। आप 4 बार 5 बार जितना आप वो आपको चाहिए आप इसमें बुन सकते हैं। तो हम फिर जोड़ लेंगे यहाँ पे, सिंगल क्रोशिया हुई बुनेंगे, फिर 1 2 3 3 चैन लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, 2 3 4, इसी तरीके से इस लाइन को 3 क्रोशिया छोड़ेंगे और इसको जोड़ लेंगे। इसी तरीके से इसके लाइन को हमें कंप्लीट करना है। दोस्तों ये हमारी अब किनारी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहीं पे इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल ये बन के हमारा तैयार हो गया है थालपोस। ये बहुत ही आसान है और दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर ये थालपोस बनाना है तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का न्यू अपडेट आपके पास सबसे पहले मिले, और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।